गाइस वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस आई नो कि आप लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे यार ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो कि राइजन 3 4100 और राइजन 5 4500 एक्चुअली में एक पुरानी जनरेशन के प्रोसेसर हैं, जबकि इंटेल 12 जनरेशन आ रखी है मार्केट में i3 12100 और i5 12400 जैसे प्रोसेसर AMD के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेसर को बीट कर चुके हैं। तो एक पुरानी जनरेशन को कंपेयर करने का क्या तुक बनता है? पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं कि हमारा काम क्या चीज अच्छी है या क्या चीज बुरी है ये तो बताना है ही, बट इसके अलावा अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कौन लोग उसको ले सकते हैं या कौन नहीं ले सकते, उसके बारे में बताना भी है। कि एक ऐसा प्रोडक्ट AMD ने लॉन्च किया है जो किसी ना किसी इंसान के किसी भी तरीके से काम अगर आ सकता है तो ये है उसके बेंचमार्क्स और ये है उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको आप देखकर अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं। गाइस अगर आप लोग एक्चुअली में अभी बाय करना जा रहे हो ग्राफिक कार्ड या फिर कोई PC तो हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com पर आप जाके देख सकते हो, वहां पर सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको लेना जाके ले सकता है। अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है तो हमारे नंबर 9650466554 पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल जो भी आपकी सहूलियत। Ryzen 5 4500 एंड Ryzen 3 4100 इज इन द हाउस, ये हमें स्पेशली AMD ने भेजे हैं। और एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, पहली बार कुछ मिसकंसेप्शंस हो गई थी, सेकंड टाइम जब हम लोगों ने वीडियो बनाई तो हम लोगों की ऑडियो ही नहीं आई पता नहीं क्यों, एंड अब हम तीसरी बार ये वीडियो बना रहे हैं एंड आई होप कि ये फाइनली वीडियो बन के आ रही है। और अब तो मुझे रट चुका है भाई इन सब प्रोसेसर्स की जितनी भी कोर काउंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, इनफैक्ट मैं तो अभी तक जितने भी बेंचमार्क्स हैं वो रट के बैठा हुआ हूं। और सेकंडली गाइस इन प्रोसेसर्स के साथ काम करने में मुझे तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट प्रोसेसर्स का कंपैरिजन करो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसी प्राइस रेंज में आने वाले इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ तो उसमें भी कुछ ना कुछ लोचा है, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस इन दोनों ही प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर बात करें Ryzen 3 4100 की तो एक 4 कोर 8 थ्रेड में आने वाला 8 MB कैश मेमोरी का एक अच्छा खासा Ryzen 3 प्रोसेसर है, इनकी 4000 सीरीज के लाइनअप के साथ आ रहा है और Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा गाइज इसमें आपको अगर पैकेजिंग में देखो तो एक आपको AMD का जो रैथ कूलर है वो देखने को मिल जाएगा और इसमें किसी भी तरह के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये जो प्रोसेसर है ये Ryzen 3 लाइनअप में आपको देखने को मिलेगा, बट इसको जो कंपेयर किया जा रहा है वो इंटेल की i3 10th जनरेशन से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि AMD का थॉट प्रोसेस क्या है कि वो एक बजट मार्केट को केटर करना चाहते हैं जहां पर एक 7-8 हजार 9 हजार के बीच का प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि अभी AMD का वो जो एक पार्ट है, वो जो एक प्राइस रेंज है, कोई ढंग का प्रोसेसर उस प्राइस रेंज में करंटली अवेलेबल नहीं है। इसी बात गाइस बात करें अगर Ryzen 5 4500 की तो वही कन्वेंशनल 6 कोर 12 थ्रेड का एक प्रोसेसर है, ये भी AMD की Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड 4000 सीरीज का एक प्रोसेसर है। इसमें आपको 11 MB की कैश मेमोरी देखने को मिलेगी, बाकी इसमें भी आपको इन द बॉक्स एक रैथ कूलर जो है वो देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल कोई भी आपको आफ्टर मार्केट कूलर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसमें भी किसी भी तरह के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, मतलब इवन फॉर द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ डिस्प्ले यू माइट नीड अ ग्राफिक कार्ड इसको इवन चलाने के लिए। अगर 2022 में आप लोग बैठे और आप लोग भी यही सोच रहे हो मेरी तरह कि यार 10th जनरेशन की बात क्यों कर रहे हो, 10th जनरेशन तो शायद 2 साल पहले लॉन्च हुई थी, तो उसकी कंपैरिजन अभी के लॉन्च के प्रोसेसर से क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस AMD का मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्रोसेसर्स हैं जो एक्चुअली में शायद लॉन्च होने के लिए रह गए होंगे, तो अब इनका सारा का सारा जो सेटअप था वो रेडी था, उन लोगों ने लॉन्च कर दिया है कि एक तो बजट प्रोसेसर्स में हमारे पास प्रोसेसर्स नहीं है और सेकेंडली जो बना हुआ काम है उसको निकाल दिया जाए, ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर इनकी प्राइसिंग की बात कर ले तो Ryzen 3 4100 आपको अराउंड 9000 रुपीज का इंडिया में देखने को मिलेगा और Ryzen 5 4500 अराउंड 10 से 11 हजार के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तो AMD की तरफ से दिए हुए हमें जो प्राइसेस है वो है, बट जब आप मार्केट में देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन, रिटेलर्स के मार्जिन ऐड करते करते 1000-2000 प्राइस बढ़ ही जाएगा। तो इवेंचुअली अगर आप मार्केट रेट्स की बात करो तो 10000 के करीब आपको Ryzen 3 4100 एक्सपेक्ट आप कर सकते हो और 14000 के करीब आपको Ryzen 5 4500 देखने को मिलेगा जो पूरा बॉक्स वाला है, OEM वाला नहीं, OEM में सिर्फ आपको ऐसा प्रोसेसर आएगा, बट बॉक्स वाला जो है आपको अराउंड 14000 के करीब एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। गाइस अब बिना किसी टेस्टिंग के, बिना किसी बेंचमार्किंग के अगर मैं बात करूं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग, तो ये दोनों जो प्रोसेसर्स हैं ये डायरेक्टली कम्पीट करेंगे इंटेल की i3 12100F और 12100 से। 12100 में तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक बढ़िया सा RM1 जो इंटेल का फैन है वो भी देखने को मिल जाता है, तो
डायरेक्ट कंपटीशन उससे है, और जो सस्ती वाली रेंज है जो 6-7 हज़ार रुपए का इंटेल का i3-10100F आता है उससे भी Ryzen 3 को कंपेयर किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोग ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे पीसी बिल्ड वीडियोस हो, रिव्यू वीडियोस हो, बेंचमार्क्स हो, या फिर कोई न्यूज ही क्यों ना कवर करनी हो पीसी टेक इंडस्ट्री की, वी ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को छोटा सा आप लोग को लाइक करना है ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लाइक ये गाइस हमारा छोटा सा आपको पूरा कराना है, तो की वीडियो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को, आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। बेंचमार्क से पहले एक बार मैं आपको जो टेस्ट पे गया है वो मैं आपको बताता हूं कि हमने इसमें क्या क्या यूज किया है। तो एक तो प्रोसेसर्स हो गए, तो गाइस प्रोसेसर्स में तो सबसे पहले Ryzen 3 4100 और Ryzen 5 4500 तो है ही, इसके अलावा प्रोसेसर्स में वी आर गोइंग विद द इंटेल i3-10100F, इंटेल i5-10400F और लास्टली इंटेल i3-12100F जो इंटेल का लेटेस्ट 12th जनरेशन लॉन्च प्रोसेसर है। मदरबोर्ड के लिए जो Ryzen प्रोसेसर्स हैं उनके लिए वी आर गोइंग विद द B450 मदरबोर्ड, एंड इंटेल प्रोसेसर्स के लिए उनके हिसाब से जैसे H510 मदरबोर्ड्स हो गए, और 12th जनरेशन के केस में H610 मदरबोर्ड्स के साथ हम जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें रैम की तो 16GB मतलब 8-8GB की दो स्टिक्स डुअल चैनल में हम लोग यूज करने वाले हैं, GCL Trident Z 3200 MHz पर क्लॉक। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 500GB NVMe सब ही प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स में यूज होने वाली है, Samsung 970 NVMe SSD। इसके अलावा गाइस अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की तो सभी के सभी प्रोसेसर्स को टेस्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द NVIDIA GTX 1650, 4GB का एक ग्राफिक कार्ड है, इसको हम लोग यूज करेंगे टू कीप इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, ताकि आप लोग जो बजट गेमर्स हैं वो कार्ड यूज करते हैं 2GB 4GB के, तो कीप इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल हम लोग एक 4GB का GTX 1650 यूज करने वाले हैं। तो गाइज अब हम लोग चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ, ताकि आप लोग को पता चल सके के सिंथेटिक बेंचमार्क्स जो सीपीयू बेंचमार्क्स हैं और गेमिंग में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा कि आपको ये प्रोसेसर्स लेने चाहिए या नहीं, अगर लेने चाहिए तो किन को लेने चाहिए और नहीं लेने चाहिए तो किन लोगों को इससे कोसो दूर रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक बेंचमार्क्स टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें सभी की सभी प्रोसेसर्स की जितनी भी पोटेंशियल है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं, सब कुछ पता चल जाएगी। सबसे पहले गाइस वी टेस्टेड द मल्टी कोर स्कोर्स ऑफ ऑल द प्रोसेसर्स, जिसमें Ryzen 5 4500 स्कोर्ड 6198 पॉइंट्स, के बाद वी टेस्टेड द i5-10400F जिसमें द स्कोर वाज 3459, देन वी टेस्टेड द Ryzen 3 4100 वेयर द स्कोर वाज 3749, एंड देन वी टेस्टेड द i3-10100F वेयर द स्कोर वाज 5612। लास्टली वी टेस्टेड द i3-12100 जिसमें स्कोर्स ऑब्वियसली काफी ज्यादा थे, दैट वाज 8237, एंड हियर i3-12100 was actually performing way better than the other processors. Then we tested the single core performances of all the processors, जिसमें जो results थे वो somewhat similar थे multi-cores में ही, जिसमें Ryzen 5 4500 scored around 1106 points, the i5-10400F scored 1047 points. Then the Ryzen 3 4100 scored 1102 points and the i3-10100F scored 1141 points. Lastly, the i3-12100 scored 1601, that was way above any other processor. After that, guys, we moved on to the CPU mark test, jisme the Ryzen 5 4500 scored 13291 points and i5-10400F scored 12416 points. इसके बाद the Ryzen 3 4100 scored 10,385 points, i3-10100F scored 8855 points, and lastly सबसे ज़्यादा जिसने score किया वो था i3-12100 जिसने around 14,337 points score किए। Again इसमें भी the performance was way better for the i3-12100। इसके बाद we tested the 3D mark test, इसमें जो scores थे वो कुछ ऐसे थे, the Ryzen 5 4500 scored 8233 points, the i5-10400F scored 7548 points, the Ryzen 3 4100 scored 8201 points and the i3-10100F scored 4880 points. Lastly, the i3-12100 scored 7756. That was a little bit lesser as compared to the Ryzen 5 4500 and the Ryzen 3 4100, जो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। But guys, we did the blender test, जिसमें actually में time frame बताया जाता है कि एक particular task करने में कितना time ले रहे हैं ये processors, जिसमें कि Ryzen 5 4500 took 106.85 seconds, the i5-10400F took 332.4 seconds. The Ryzen 3 4100 scored 66 seconds and the i3-10100F took around 820 seconds. That was just not acceptable. Iske baad guys, the i3-12100 took just 50 seconds to complete this. Iske baad guys, we did the CPU Z test, jisme Ryzen 5 4500 scored 4074.3 in multi-core test. The Intel i5-10400F scored 3682.8 in multi-cores.
The Ryzen 3 4100 scored 2453. The i3 10100 has scored 2410. Then we did the single core test, jisme the scores were as follows. The Ryzen 5 4500 scored 487 points. i5 10400 has scored 496 points. The Ryzen 3 4100 scored 448 points. And the i3 10100 has scored 478 points. यहाँ तक जो भी टेस्ट से इन सभी के सभी टेस्ट में आप देख सकते हो कि जो Ryzen 5 4500 है that is performing better than the Intel i5 10th generation processor और Ryzen 3 जो है 4100 वाला वो Intel i3 10100F से better perform कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये processors थोड़े late लग रहे हैं मुझे। अगर ये आज से 2 साल पहले लॉन्च हुए होते तो शायद एक अच्छा कंपटीशन या फिर AMD के प्रोसेसर्स जो हैं ये वाले ये अच्छे माने जा सकते थे, बट चूंकि अब ये 2022 में लॉन्च हो रहे हैं तो इसका कंपैरिजन तो 12th जनरेशन से ही होगा और उसमें इंटेल के इवन i3 प्रोसेसर ने इनके Ryzen 5 को धाराशायी करके रखा हुआ है। चलते हैं गेमिंग की तरफ और बात करते हैं क्या क्या बेंचमार्क्स थे इस गेमिंग में। सबसे पहले वी टेस्टेड द गॉड ऑफ वॉर 2022 जो अभी रिसेंटली ही पीसी में लॉन्च हुई है, जिसमें गाइस द Ryzen 5 4500 स्कोर्ड डिसेंट FPS, जिसमें अराउंड 46 वाज द मैक्सिमम FPS दैट वी वाज गेटिंग। द Ryzen 3 4100 हैड 42 FPS मैक्सिमम एंड अराउंड 36 टू 37 एवरेज FPS। इसके बाद i3 10100F में हमें अराउंड 37 मैक्सिमम FPS देखने को मिले जो ओवरऑल मेंटेन्ड ही थे। देन द Intel i5 10400F स्कोर्ड अराउंड 37 FPS। एंड लास्टली सबसे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली Intel i3 1200 में, जिसमें द एवरेज FPS वाज अराउंड 60। बट गाइस वी इवन टेस्टेड वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट गेम्स ऑन PC, द Cyberpunk 2077। इसमें परफॉर्मेंस एक्चुअली में अनप्लेएबल थी, बट स्टिल वी हैव द रिजल्ट्स एज फॉलोज। द Ryzen 5 4500 अराउंड 30 से 35 FPS तक मेंटेन कर रहा था। Ryzen 3 4100 अराउंड 39 टू 38 FPS मेंटेन कर रहा था। i3 10100F ने अराउंड 30 से 35 FPS मेंटेन करे। i5 10400F ने अराउंड 34-33 FPS तक मेंटेन कर रहा था। एंड सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिला वो था Intel i3 अगेन, द Intel i3 12100, जिसमें अराउंड 45 हमें FPS इन द Cyberpunk 2077 देखने को मिले। बट गाइस वी टेस्टेड GTA 5 जो एक्चुअली में इंडिया में खेली जाने वाली सबसे ज्यादा फेमस PC गेम है, और जैसे कि सबको पता है कि हम लोग GTA 5 में लो सेटिंग्स में नहीं खेल सकते, तो इसमें हम लोगों ने मीडियम 1080p सेटिंग्स में टेस्ट करे हैं, उसमें करे हैं। द Ryzen 5 4500 हैड अराउंड 67 FPS, द Ryzen 3 4100 हैड अराउंड 63 FPS, द i3 10100F हैड 53 FPS, द i5 10400F हैड अराउंड 65 FPS, एंड लास्टली i3 12100 ने अराउंड 85 टू 90 FPS कांस्टेंटली मेंटेन करके रखे। इसके बाद गाइस थोड़ी सी कंपैरेटिव गेमिंग, जिसमें एक्चुअली में CPU परफॉर्मेंसेस टेस्ट होती हैं, वो गेम्स हमने खेली, जैसे कि Valorant में काफी अच्छे FPS सभी प्रोसेसर्स ने शो किए, जिसमें Ryzen 5 4500 ने अराउंड 150 FPS मेंटेन करके रखे थे, Ryzen 3 4100 ने अराउंड 145 FPS, जिसमें i3 10100F स्कोर्ड अराउंड 135 FPS, द i5 10400F स्कोर्ड अराउंड 145 FPS। इसके बाद द i3 12100 अराउंड 160 टू 165 FPS कांस्टेंटली मेंटेन कर रहा था। ट्वीट करूंगा कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इन Ryzen 3 और Ryzen 5 प्रोसेसर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दे आर टू लेट टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। एंड वो जो ऑडियंस है जिसको AMD केटर करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी मिनिस्क्योर, बहुत छोटी ऑडियंस है वो। उस टाइप की ऑडियंस को केटर जब करने आप जा रहे हो और ऑलरेडी मार्केट में सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर मैं प्राइस टू प्राइस कंपेयर करूं द Intel i3 10100F, वो आपको अराउंड 6,500 रुपए का मिल जाएगा। एट द सेम टाइम जब Ryzen 3 4100 को मैं कंपेयर करूं तो वो 9,000 रुपए का है। 9,000 रुपए या 9,500 रुपए में तो मेरे को Intel i3 12100F मिल जाता, जिसकी परफॉर्मेंसेस आपने देखी ली है किस हिसाब से है। अगर ये अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, प्राइसिंग इज जस्ट ऑफ द शेल्फ, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको लेगा इस प्रोसेसर को। हालांकि Ryzen 3 4100 है वो एक्चुअली में काफी बेटर परफॉर्म किया है, इवन बेटर देन Ryzen 5 4500, क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अगर देखा जाए तो Ryzen 3 4100 का बहुत ज्यादा बेटर है, और परफॉर्मेंसेस में इतना भी डिफरेंस नहीं है जब आप Ryzen 3 टू Ryzen 5 जंप कर रहे हो। दिस आंसर्स अनदर क्वेश्चन कि Ryzen 5 4500 लेना चाहिए कि नहीं, अगर आपको 12, 13, 14,000 का वो प्रोसेसर मिल रहा है तो फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं लेना चाहिए। वो जो प्रोसेसर है दैट इज जस्ट नॉट गुड एट ऑल। वो इस प्राइस रेंज में आने वाले, छोड़ो इससे नीचे मिलने वाले Intel i3 12100F से भी एक बैड परफॉर्मिंग प्रोसेसर है। हेलो गाइस, दिस वाज अस डूइंग आवर ड्यूटी टू एक्चुअली टेल यू कि ये दोनों ही प्रोसेसर जो हैं, ये जब मार्केट में नए आए हैं टेस्ट करना बनता है, अच्छे हो या बुरे, आपके सामने एक कंप्लीट ट्रू पिक्चर रखना लोग का काम है।
ये हमें एमडी की तरफ से आए थे, बट वी ट्राइड टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल ताकि आप लोगों को एक ट्रू पिक्चर मिल सके। कुछ भी लेने से पहले आप लोग को पता चल सके कि ये प्रोसेसेस कैसे हैं। गेमिंग या फिर एडिटिंग या फिर कोई भी आप मिसलेनियस फंक्शन करने जा रहे हो अपने पीसी से, तो ये दोनों ही प्रोसेसर्स आप इस वीडियो को देख के पता लगा सकते हो लेने चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। हम लोग ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।